हम यहाँ पे गुजर ही रहे थे एम्पोरियम के पास से, हमें एम्पोरियम के मॉल के अंदर से ऑर्डर आ गया है और अभी हम अंदर जाएंगे मॉल के अंदर ऑर्डर लेने के लिए। हमें गुजरने दो, गुजरने दो हमें। एम्पोरियम से और इधर देखो रश कितना है, कितना रश है यहाँ पे। कैसे जाएंगे हम, वो आगे तक रश है आगे तक, लेकिन बाइक हो सकता है यार। ये गेट खुला हुआ है, यहाँ से चला जा। ये गेट खुला हुआ। अच्छा उन्होंने मेरे लिए गेट बनाया है। गुजर जाएगी इनकार, देख के लेकिन देख के रुक जा, रुक जा। अरे पैदल चलते हैं, नहीं पैदल चलते हैं यार, इतनी ट्रैफिक है। आगे देखो, मैं आस्ता आस्ता आ रहा हूँ। क्या बैग मुझे दे जा आस्ता आस्ता जाके देखे। ये भी लाइन लगी है और ये भी सारी लाइन लगी है, हमने भी ऑर्डर लेने जाना है इधर से। उसके ऊपर का पासवर्ड ये है, पासवर्ड लगा के मैं बता रहा कि ये पासवर्ड दे कैसे लगाना है। यहाँ से वापस मोड़ते हैं, ये यहाँ से जाते हैं हम और वो सामने वाली रोड से होके फिर वहाँ से अब चले जाते हैं। ये ट्रैफिक यार, तू चला जा यार, दो मिनट लगने जाके। वापस मोड़ बाइक, इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगा मैं। वो उधर से भी रश है, इतनी दूर में पैदल भेज रहा है, वो आगे जाए गेट है। किधर ले जा भाई, तो मुझे छोड़ के जा रहा है यार। इसको बंद कर दे यार जल्दी। देखो कह रहा आगे भी रश है, इधर देखो कितना रश है। वो देखो ये रश को छोड़ के हम इस साइड में जा रहे हैं अभी, साफ सड़क पे, लेकिन आगे हो सकता है फिर रश हो। ये देखो कितना रश है यहाँ पे। चक्कर के मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, आगे यहाँ से चला जाए पैदल। ये साथ ही गेट है, मुझे अपने घर जाना है। मैं अंदर नहीं जा रहा यार, कह रहा पासवर्ड मुझे बता देते। ठीक है, ये भी इधर भी रश है, इधर भी रश है, इधर से चल के पैदल जाना है और रास्ता भी नीचे खराब है यार। कहाँ रहने वाले? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? भक्के। दुन 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 दुन। अभी भाई ये लाइन से लग के हम जा रहे हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने के बाद अभी मैं आ गया हूँ मॉल के अंदर और अभी जा रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होगा, फूड कोर्ट पे। तो बेल भी बजने लगी है कि ऑर्डर लेट हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम थी ना, तो बाइक वहीं पे खड़ा करके तो पैदल में चल के यहाँ पे आए। दूसरी एस्केलेटर भी उसी साइड पर थी, मैं इस साइड पर आ गया था, मैं समझा दूसरी साइड पर होगी। एस्केलेटर भी साथ ही बिल्कुल जा रही थी मैं, लेकिन दूसरी साइड पे चला गया था, ऑपोजिट साइड पे। मैं समझ रहा था कि इसका मतलब कि दूसरी साइड पे एस्केलेटर होगी। भाई इधर तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है, कहाँ पे ढूंढूंगा इसको मैं? चाइना टाउन, मुझे नहीं समझ रही, किससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, चाइना टाउन को पता है कहाँ पे है? सामने? ओए बिल्कुल सामने है यार। थैंक यू, शुक्रिया। अभी मैं रेस्टोरेंट पे पहुंच गया और उनका ऑर्डर नंबर बताना है। हाँ जी, कितना टाइम लगेगा सर? कार में फूड पांडा यार भाई, अभी मैं पहुंचे ही हूँ, मुझे ऑर्डर फौरन से तैयार मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ से ऑर्डर लेते हैं और निकलते हैं बाहर, और उनसे गर्मी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक बन गई यार, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कैसे हो आप? ठीक हो? यार मैंने ऑर्डर पिक कर लिया है, बस मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही। बोल चुके भी पास है, ओके हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़। थिएटर बड़ी ख़तरनाक है, पाँव फ़ौरन अगर टाइम पे ना आपका जाए तो गिर भी सकते हो आप। बहुत रश है आज तो मॉल के अंदर। क्या कह रहे हो, वीडियो बनाई जा रही है? मैं तो व्लॉग बना रही हूँ यार। अच्छा
अभी बस हमने ऑर्डर ले लिया और नीचे उतर गए हैं और बाहर निकलना है यहाँ से। कौन सी गेट से बाहर जाएंगे? ये तो एंट्री का गेट है, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। तो बहुत गर्मी थी बाहर, आके थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रश ज़्यादा होने की वजह से। मुझे उसने कहा था कि गोल चक्कर के पास में आऊँगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं कहाँ है मोबाइल, उसने फ़ोन भी तो किया था मुझे काम। और ये निकल जाओ, तू इधर खड़ा हुआ है यार, जल्दी कर यार, टाइम आ गया, बड़ा हो गया, तू क्या कर। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, सिग्नल ग्रीन है, निकल जाएंगे हम, निकल जाएंगे। ओए बंद हो गया, ओ यार, ओ शिट मैन, निकल जाओ निकल जाओ अंकल, तुम्हें साइड से कर ली, तुम्हें तो यूटर्न ले ली, यूटर्न देख के देख के सारा बंद है। चले आ जाए भाई, उधर ही आ जाए, बस आ गया मैंने, एक मिनट में आ जाए ना, आ जाए आप। अभी मेरे दोस्त ने ना कस्टमर को कॉल किया, आगे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, सर्विस रोड यार, ये साथ साथ ही गेट है, दे जाके साथ। किस चीज़ का गेट? तीन नंबर गेट है यूसीबी का, गेट के पास खड़ी, गेट के बाहर है, खड़ी खड़े हैं, कौन है खड़े हुए हैं ना, खड़ी हुई है लड़की, लड़की है। कितने पैसे लेने हैं? कुछ भी नहीं, फ्री है, फ्री दे। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। चल पहले ये खोल दो, बैग तो खोल, बैग उतार के जा ना, बैग क्यों लेके जा रहा है? हाँ इसमें से बिरयानी वगैरह निकाल देना, उसको बंद कर दे यार, क्या खाया कर रहा है, इसमें से बिरयानी वगैरह निकाल दो, कुछ भी नहीं मिलना है। बाहर ही खड़े हैं वो बाहर। हाँ अब मैं पहचानूंगा कैसे? मुझे पहचान लेगी, पूछ पाड़ा क्या नाम है, पहचान लेगी। नाम क्या है? नाम क्या? सिबका। ओके मैं पूछ लूँगा, तीन नंबर गेट पे जा। अभी यार यूसीबी यूनिवर्सिटी के बाहर ही हमने ऑर्डर देना है, और बाहर मतलब कि वो वेट कर रहे हैं, आगे बाइक नहीं लेके जा सकते, चलान हो सकता है और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे तो नहीं आ रहे वो? नहीं नहीं, तो तीन नंबर गेट साथ ही आगे जाके वो है ना, आगे जाके हो नहीं, ये ब्रिज है ना जहाँ से शुरू होता है, उसे पहले साथ ही आगे है। ठीक है, कह रहा था वो साथ ही है बिल्कुल, लेकिन गेट तो उसका आगे है, बहुत ज़्यादा आगे जाके है गेट, वो वेट कर रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी दे आए हो ऑर्डर भाई, एकदम एक साथ इतने ज़्यादा ऑर्डर कर लिए हैं, अभी इसको कह रहा हूँ थोड़ा ब्रेक ले ले, क्योंकि थक गए हैं यार, प्यास भी लग रही है, पानी भी नहीं पी लिया अभी तक, इतनी देर हो गया। भाई ऑर्डर पिक कर लिया, काफ़ी देर के बाद हमें ऑर्डर मिल गया है, और अभी हम लेके जा रहे हैं लोकेशन पे जिस कस्टमर की ही, और नोमी साहब इधर वेट कर रहे हैं, वो खड़े हुए सामने, वो बैठे हुए, कहता है यार छोड़ वीडियो शीडियो क्यों बना रहा है, कुछ नहीं बनना, लेकिन वीडियो बनानी है यार, व्लॉग तो बनाना ही है साथ साथ। लो जी नोमी साहब ऑर्डर आ गया, देख मैं गया तो अभी भाई हम बोतल वाली शॉप पे आ गए हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा बोतल वगैरह पियेंगे और नोमी साहब भी रिलैक्स होंगे थोड़ा सा, काफ़ी देर से हम ऑर्डर वगैरह कर रहे थे, प्यास लगी थी, तो अभी यहाँ से लेते हैं बोतल। नोमी को लगी है भूख थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो कह रहा है कि उसके साथ थोड़ा लेस भी ले, तो कौन सा लें भाई, ये ले लेते हैं। अच्छा यार अभी 10 बज गए हैं और हमारी शिफ्ट 10 बजे तक, कितने बजे तक थी? 11 बजे तक थी, 10 नहीं तो 10 बजे खत्म हो गई शिफ्ट, अभी तो 10 बजे है ना, अभी यार अभी 10 बज गए हैं, 10 बज गए, अब ऐसे खड़ा हो जा यार, अभी ना 10 बज गए हैं, हाँ 10 अभी 10 बज गए हैं, और अभी हमने मतलब कि ऑर्डर वगैरह यहाँ पे हम खड़े थे तो नहीं आ रहे, बोतल वगैरह पी है और हम रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन ना रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, हमारी 3 बजे तक थी शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट शुरू होनी थी 11 बजे, तो हमने सोचा कि यार अभी 10 जो ये वाली शिफ्ट है ना, यही वाली करते हैं,
और अगली शिफ्ट को कर देते हैं स्वैप। तो अभी हमने स्वैप कर दी थी और दूसरे किसी बंदे ने वो शिफ्ट को उठा लिया है, और अभी हम 11 बजे तक ही काम करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे घर, और नौमी अपने घर चला जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊँगा, और बस यही था सीन। तो अभी मैं यही व्लॉग का यार इसका गलत हो गया कुछ, तो हम यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। तो इसको नौमी साहब कह दो कुछ, लाइक करो सब्सक्राइब करो, इधर इधर मुँह करके कहना देखो। तो यार इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अगर पसंद आई है तो बस यही इस वीडियो में बताना था कि फूडपांडा पे बल्कि ऊबर ईट्स और फूडपांडा पे कैसे डिलीवरी होती है वो हमने आपको बताई है, रात को भी किया, दिन में भी किया, और ज़्यादा रात को नहीं करना चाहते हम, बस हम थक गए हैं इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।